बड़ी अकीदत के साथ संबल में निकाला गया अलम का जुलूस। हजरत अब्बास अलमदार के जुलूस में हुसैनियत पर देशभक्ति का रंग देखने को मिला। जगह जगह सबीले लगाई गयी और लोगों की प्यास बुझाई गयी, जबकि लोगों ने अपने घरों की छतों से लंगर बांटा। जिला पुलिस प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम रहे। शनिवार को नगर में हजरत अब्बास अलमदार की याद में अलम मुबारक का जुलूस निकाला गया। अलम उठाने वाले हर एक अकीदतमंद की जुबान पर अली मौला, हैदर मौला या अली या हुसैन का नारा सुनने को मिला। नगर के मौला मियां सराय से शुरू हुआ अलम मुबारक का जुलूस डूंगर सराय, हिलाली सराय, हातिम सराय, मियां सराय, पंजू सराय, बेगम सराय के अलमदारों को लेता हुआ चमन सराय पहुंचा, जबकि यहां पर सेब का सराय, नूरिया सराय, कागजी सराय, हुसैन खां सराय, मंडी किशनदास सराय, शेर खां सराय, मोहल्ला नाला, चौधरी सराय, जगत के अलमदार पहले ही अपने जुलूस के साथ पहुंच गए। चमन सराय से दर्जन भर मोहल्लों के अलमदार अलम मुबारक लेकर बाजार, गड्ढा गली, सब्जी मंडी होते हुए कोट गर्भी स्थित रेतला मैदान में जमा हुए। दूसरी ओर फतेह उल्ला सराय, दहली दरवाजा, कोट गर्भी स्थित विभिन्न मोहल्लों के इमामबाड़ों से अलम एक बड़े जुलूस की शक्ल में रेतला मैदान से महमूद का सराय, नखासा, खग्गू सराय, दीपा सराय की गलियों में होते हुए सीमरदास सराय पहुंचे। देर सात सभी अलमदार अपने अपने मोहल्ले के लिए आर्य समाज रोड से होते हुए रवाना हो गए। जुलूस को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए कमेटी के पदाधिकारी व पुलिस प्रशासनिक अधिकारी डटे रहे। वहीं धार्मिक व राजनीतिक लोग भी जुलूस में अलमदारों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। साथ ही अलमदारों को नजराने पेश किए गए। देखिए हुकूमत एक्सप्रेस के लिए संभल से फिरोज अली की ये खास रिपोर्ट। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अलम का जुलूस निकल रहा है हजरत अब्बास अलमबरदार की याद में, और हमारे बीच संभल के नेता विधायक नवाब इकबाल महमूद भी इस जुलूस में शामिल हुए हैं। हजरत अब्बास अलमबरदार की याद में जुलूस निकाला जाता है। सदियों से संभल में इतिहास रहा है जुलूस का, और हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग, जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी जुलूस आना शुरू नहीं हुआ है लेकिन भीड़ अभी से चलने लगी है। मैं आपकी बात कराऊंगा शहर विधायक से जो इस जुलूस में शामिल होने के लिए आए हैं, अभी थोड़ा अंदर हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं शहर विधायक सदर संभल नवाब इकबाल महमूद साहब, उनसे जानेंगे दो साल के बाद कोविड के बाद अलम का जुलूस निकल रहा है, क्या कहना चाहेंगे संभल की आवाम से और अलम बरदारों से? पिछले दो साल नहीं निकला था, लोगों के अंदर गम का माहौल रहा है और आज भी इमाम हुसैन को याद कर सभी लोग, हमारे मुसलमान भाई सब गमगीन हैं, उन्हीं की उसमें ताज़िया निकाले जा रहे हैं और अल्लाह ताला से सब उनकी मगफरत और यहाँ पर मुसलमानों की खैर आफियत की उनके के लिए दुआ करता है। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाए। तो ये थे शहर विधायक नवाब इकबाल महमूद साहब जो बता रहे थे कि हजरत इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास अलमबरदार की याद में ये जुलूस निकाला जाता है। तो इस वक्त मैं दिखाऊंगा कि ढोल की ताल पर या हुसैन की सदाएँ हैं। हमारे कैमरे मैन दिखाएंगे ढोल की ताल पर या हुसैन की सदाएँ निकल रही हैं। ढोल बजा कर गम का हिजार अजादार कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ आप हुकूमत एक्सप्रेस में देख रहे हैं, थोड़ी देर में अलम का जुलूस भी आने वाला है। अलम का जुलूस धीरे धीरे आएगा, जिस तरह से अलम का जुलूस आएगा लोग आगे आगे इमाम बाड़े पर पहुंचेंगे। इमाम बाड़े पर पहुंच करके आलमों को लेंगे, आलमों को अपने साथ लेकर के एक विशाल जुलूस निकाला जाएगा। अब थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा कई नेता इस जुलूस में आए हुए हैं। हुसैनी जुलूस अजंटी से शुरू होकर के चमन सराय चौक में आया है। यहाँ पर हम बात करेंगे इमाम बारगाह के सदर से जो कि हमारे साथ हैं। सालिम, उनका जुलूस निकला है, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत टाइम, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, माशाल्लाह सब बढ़िया हो रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि दो साल से अलम नहीं हुए थे और इस बार हो रहा है, लोगों में कैसा जोश है, किस तरह के अलम होंगे इस बार? लोगों में भरपूर जोश है, जैसे पहले रहता था ऐसी अब है और इंशाल्लाह अब तो ज़्यादा रहेगा। ये थे सालिम हुसैन जो कि बता रहे थे कि पहले से ज़्यादा इस बार अलमों में जुलूस में लोग रहेंगे और बहुत अच्छी तरीके से अलम का जुलूस निकलेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अलम का जुलूस चमन सराय चौक में आ चुका है। चमन सराय चौक में अलम का जुलूस आ चुका है, हम दिखाएंगे आपको। या हुसैन के नारों के साथ ये जुलूस आया है।
देखिए बहुत ही सुकून के साथ ये अलम जो है निकाले जा रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूं और अधिकारियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं सारे लोगों का कि इन्होंने बड़ा अच्छे इंतजाम किए हैं। और मैं अपील करना चाहता हूं मुहर्रमदारों से कि बहुत ही सुकून के साथ में इत्मीनान के साथ में जुलूस को निकालें, क्योंकि ये जो हमारी जुलूस हैं ये एक मातम है, उसी तरीके से मनाएं। हम जानेंगे, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं इमाम ईदगाह के छोटे भाई नायब इमाम ईदगाह मौलाना फैज़ुल इस्लाम साहब, उनसे जानेंगे कि आलम का जुलूस क्यों निकाला जाता है और कब से ये निकाला जा रहा है। शहीद आने करबला की याद में निकाला जाता है ये जुलूस, हज़रत अब्बास आलम बरदार की याद में निकाला जाता है, उनकी यादगार ताज़ा करती जाती है। आप पानी लेने गए थे नेरे फरात पे पानी ले गए थे, बच्चों को 3 दिन से भूखे प्यासे थे, तो उनको वहीं पर शहीद कर दिया गया। उनकी याद में ये अलमों का जुलूस निकाला जाता है। शहीदान करबला के साथ जो आए थे इमाम अली मकाम के, तो हज़रत अब्बास आलम बरदार को सबसे पहले भेजा गया था पानी लेने के लिए, उनको यह शहीद कर दिया गया। ये संभल के अलावा कहाँ कहाँ निकाला जाता है? ये सभी जगह पर निकाला जाता है, करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में। वही कह इन्होंने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में, इराक, अदर मुल्कों में भी आलम का जुलूस निकाला जाता है हज़रत अब्बास आलम बरदार की याद में। ये गम का माहौल है कि 72 शहीद करबला के अंदर गए थे और वहाँ पर बेत को लेकर के यजीद और इमाम हुसैन के बीच एक जंग हुई थी, जिसमें हुसैन ने अपना सर कटाकर जीत हासिल की थी। मैं फिरोज़ अली, हुकूमत एक्सप्रेस के लिए संभल।